पेंट टूल का ही है, पेंट टूल कुछ भी रिमूव करने के लिए कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम लोग लासर टूल पे जाके राइट क्लिक कर देंगे, फिर कंट्रोल और की होल्ड करके ऊपर ले रहे हैं, तो ऐसा स्लाइस जैसा दिख रहा है अभी कटा हुआ। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं पिक्चर को, उसके बाद इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही लंबा सर जैसा दिख रहा है, फिर भी हो गया। हम लोग चार वो लेयर कट कर लिया। मैं इसको कंट्रोल और की बटन प्रेस करके सब लोग को सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया है। कंट्रोल जी करने से ग्रुप हो जाता है सिलेक्शन करने के लिए। कंट्रोल और की बटन से एक एक करके लेयर सिलेक्शन करना पड़ता है कंट्रोल जी करने के लिए। उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे, एक चूड़िया जैसा लग रहा है जो गर्दन टाइप का है ना, जो माउथ से थोड़ा सा इधर ही लेयर। हम लोग के पास चार लेयर तो हो गया, एक्चुअली फोर लेयर में काम करना है। मैं सोच रहा हूँ एक दो लेयर इधर से हटा दूँ जैसा लग रहा है, एक ये वाला हटा देता हूँ और एक बीच वाला हटा देता हूँ, क्योंकि स्लाइस रहता है तो देखो जैसे छीलता है ना, ऐसा ही स्लाइसिंग मतलब राउंड जैसा दिख रहा है, राउंड जैसा। सो मैं इसको सेलेक्ट दूसरा टूल ले लिया यार। आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, लॉक करने के लिए वहां पर लॉक की बटन दिया हुआ है। सो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ एक लेयर को सिलेक्शन करने के बाद, अभी वो दूसरा लेयर को भी डिलीट करने वाला हूँ, तो थोड़ा इफेक्टिव दिखेगा क्योंकि उसमें कुछ पेंट करके उसमें कुछ भरना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं दूसरा अभी गर्दन एरिया है ना उसको कट करने वाला हूँ, क्योंकि अगर उसको कट किया तो थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, दिखने भी अच्छा रहेगा। आप लोग टाइम ले लीजिए, मैं बोला है आप लोग एक्सपर्ट होना पड़ेगा, पेंट टूल में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बैकग्राउंड रिमूविंग सब कुछ वो पेंट टूल का ही है, मेन पेंट टूल का काम रहता है। सो आप लोग जितना हो सके पेंट टूल में एक्सपर्ट हो लीजिए। इसके लिए मैंने पेंट टूल पे दो वीडियो डाला हुआ है एक्चुअली बैकग्राउंड चेंजिंग, उस पर जाके देख लीजिए। अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देता हूँ, उसमें क्लिक कर लीजिए। फिर पेंट टूल यूज करने वाला हो पी प्रेस करके या फिर इधर से ले सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन कर रहे हैं और प्रेस कंट्रोल इंटर एंड प्रेस एल एंड राइट क्लिक लेयर बाई कट, फिर इसको कंट्रोल और की प्रेस करके होल्ड करके लेके जा रहे हैं थोड़ा सा लेयर को ऊपर, इसमें एडजस्ट हो, जिसमें स्पेस भी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा गैप देख रहा है अभी, देख लीजिए एडजस्ट कर लेते हैं पहले। तो लिए एक ग्रुप हो गया, ग्रुप में से ही है वो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। नाउ वी एडजस्ट, कंट्रोल टी प्रेस करके भी एडजस्ट कर सकते हैं जैसा डायरेक्शन चाहिए ऐसा। मैं एक लेयर को कंट्रोल टी प्रेस करके दिखाने वाला हूँ। सो फाइनली सिलेक्शन हो गया, थोड़ा सा चेहरे को मैं एडजस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा सा घुमा देता हूँ इसका थोड़ा सा डायरेक्शन, क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है इसके लिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है क्योंकि क्रश में रहना चाहिए इसके लिए। सो ऊपर का लेयर को सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं थोड़ा सा, ठीक है बस। कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, बस अभी दिखने में थोड़ा अच्छा दिख रहा है। रुको भाई, ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है, बनने के बाद देखो कैसा बनता है। तो इसको हम लोग लेयर को उसमें कंट्रोल ग्रुप में डाल देते हैं। सो ग्रुप में डालने के बाद उसको लॉक कर देते हैं, अब उसका कुछ भी काम नहीं है। सो अभी हम लोग वही लेयर पे जाएंगे जिस लेयर पे पहले सिलेक्शन वर्क कर रहे थे, कॉपी लेयर, उस पर ही सिलेक्शन, मेक श्योर वो कॉपी लेयर सिलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग फिर से पेंट टूल का यूज करेंगे, एक लेयर ले लेते हैं फिर से, कंट्रोल
जी करके, या फिर आप लोग नीचे लासुर टूल भी वहां पे शॉर्टकट देख लीजिए उसका, तो पी प्रेस करके मैं ले रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है सिलेक्शन, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, सर आप लोग को पेन टूल चलाना आना चाहिए, सिलेक्शन करना करने के लिए आना चाहिए। थोड़ा मैं और एडजस्ट कर लेता हूँ, वीडियो एंड तक देखना वरना आपको कुछ पता नहीं चलेगा। वीडियो देख के आप फिर उसमें बना रहे हो तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा, पहले वीडियो कम्प्लीटली देख लो, उसके बाद आप ट्राई करो, बिना देखे बनाने के लिए ट्राई करो, और किस जगह पे आपको मिस्टेक हो रहा है उस जगह पे जाके वीडियो ऑन करके फिर जिस जगह पे मिस्टेक हो रहा है उसी क्लिप को देख के आप लोग को फिर सीखना है। आप देखोगे सीखोगे, देखोगे सीखोगे, भूल जाओगे। दैट्स हैबिट इज वेरी बैड। पहले थिंक करना है कैसा बनाना है कैसा। सो अभी कंट्रोल इंटर प्रेस कर लेते हैं, लेयर में है, तो अभी हम लोग इसको क्या करने वाले, पेंटिंग करने वाले हैं, पेंटिंग। सो आप लोग आई प्रेस करके इसका सैंपल ले लीजिए, ये स्किन टाइप का कलर का सैंपल ले लीजिए, और बी प्रेस करके ब्रश ले लीजिए, उसके बाद पेंट करने के लिए शुरू हो जाता है। पेंट करिए, और इसका जो लेयर सिलेक्शन हुआ है ना, जो दिखाई दे रहा है उस पे ही पेंट होगा, आउटसाइड पे नहीं होगा। पर आउटसाइड पे करना है तो आप लोग को मतलब छोड़ना पड़ेगा, इनर वे है, इनर वे आउटर भी होता है। सो इसका ब्रश का साइज बड़ा रहता हूँ मैं, और फिर से आई प्रेस करके सैंपल लेने वाला हूँ, बाल का सैंपल लेने वाला हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा ब्लैक कलर का इधर पेंट करने वाला हूँ, क्योंकि हेयर भी है इधर, हेयर्स को भी ब्लैक है, तो इसमें चिप्स जैसा दिख रहा है ना, उसको भी थोड़ा पेंट करना है। सो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा और कंट्रोल जे करके बैठ लिया था, थोड़ा और कर रहा हूँ ना, फिर इधर भी थोड़ा सा ले लेते हैं सैंपल, तो है पहले थोड़ा करते हैं इधर, क्योंकि ऐसा घूमने का टाइम पे वो ज़्यादा नहीं दिखता, शेडो नहीं आता है। सो इसके लिए ना फिर से हम लोग वही पी प्रेस करके पेंट उल लेंगे। आप लोग को शॉर्टकट्स भी पता होना चाहिए जिससे काम करने के लिए ईजी रहता है। उसके बाद पेंट रोल यूज करने वाले हैं, पी प्रेस करके मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इस वीडियो में, मैं वीडियो ज़्यादा स्किप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को तकलीफ होगा पता है मेरे को, इसके लिए मैं थोड़ा वीडियो स्लो मोशन में बना रहा हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप पता बताने वाला हूँ, आप लोग देखते ही रहना पड़ेगा। सिलेक्शन करना है, कैसा दिखने से अच्छा लगेगा वैसा ही आपको सिलेक्शन करना है, देख लीजिए आप लोग। मैं थोड़ा सा ही अंदर का तरफ से लेने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें बहुत सारा गैप है, तो थोड़ा लेयर से ही सटा के लेने वाला हूँ। और इस डिजाइनिंग टाइम पे इसमें आप लोग को क्रिएटिव, मतलब जितना आप लोग इसमें कलर भर सकते हो ना, अंदर जितना अंदर में कलर है, मतलब फेस कलर है सब, आउटसाइड का है सब, मतलब एक ही कलर डालोगे अच्छा दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर डालोगे बहुत मुश्किल रहता है। और दूसरा वीडियो में भी ऐसा ही ऐसा है, नहीं दिखाता है, लेकिन वो लोग बहुत लेयर लेके करता है, मैं सिर्फ दो तीन लेयर में ही करता हूँ, लेयर जितना कम रहेगा उतना काम करने के लिए अच्छा रहेगा। सो सैंपल ले रहा हूँ आई प्रेस करके, ब्लैक बी प्रेस करके ब्रश ले रहा हूँ, थोड़ा सा पेंट करने वाला हूँ। फिर स्क्रीन देख रहा है, स्क्रीन स्किन से थोड़ा सा छोड़ के कर रहा हूँ, इसमें भी थोड़ा सा स्किन छोड़ के जिधर बाल आ रहा है वैसे ही सैंपल से मैं थोड़ा सा बस कर रहा हूँ, अभी बाद में लास्ट में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको ब्रश चलाना आना चाहिए। मैं नेक्स्ट एक और वीडियो डालूंगा फोटोशॉप ब्रश का बारे में डालूंगा, इसमें ब्रश थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ यूज करना पड़ रहा है। अगर आप लोग को पेन टूल यूज करना नहीं आता है तो सो
मेरा डिस्क्रिप्शन में वीडियो है पेन टूल के बारे में, उस पर क्लिक करके आप लोग एक बार देख लीजिए। फिर इसको पेन टूल यूज करने वाले इसका शॉर्टकट पी है, पी है, यूज करते हैं। फिर देख लीजिए, मेक श्योर आपका लेयर और क्लियर सिलेक्शन होना चाहिए। टेक अ टाइम मेक अ बेटर सिलेक्शन, कंट्रोल प्रेस करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और आल्ट और की बटन को भी प्रेस करके एडजस्ट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल प्रेस करके ज्यादातर यूज करता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल प्रेस करके फिर की बटन से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट करना है। सो उसके बाद मैं थोड़ा और इसको एडजस्ट करने वाला हूँ, कंट्रोल जे करके बैक ले रहा हूँ। आप लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग को फायदा हो इस तरह से मैं बता रहा हूँ। दूसरा वीडियो में जो रहता है ना, ऐसा ऐसा फास्ट रहता है, वो वीडियो देख आप लोग देख के कुछ समझ नहीं पाओगे, इसके लिए मैं स्लो कर रहा हूँ। फाइनली डन हो गया, कंट्रोल इंटरफेस करते हैं, शॉर्टकट है। सो उसके बाद फिर हम लोग आई ड्रॉपर टूल से